आज 17 मई है। 17 मई साल के पांचवें महीने का 17वां दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। आज के दिन देश दुनिया में ऐसी कई घटनाएं हुई थी जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर का जन्म आज के दिन 17 मई 1749 को हुआ था। उन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। अंग्रेज डॉक्टर एडवर्ड जेनर को वैक्सीन का पिता कहा जाता है। चेचक दुनिया की पहली बीमारी, चेचक की पहली वैक्सीन बनाने का श्रेय एडवर्ड जेनर को ही जाता है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट से आज के दिन 17 मई 1987 में संन्यास लिया था। सुनील गावस्कर का नाम क्रिकेट इतिहास के महान खिलाड़ियों में शुमार है। सुनील गावस्कर 10,000 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले टेस्ट क्रिकेटर हैं। दुनिया को हंसाने वाले चार्ली चैपलिन के ताबूत को पुलिस ने आज के दिन 17 मई 1978 को बरामद किया था। चार्ली चैपलिन की मौत के बाद कुछ चोर उनकी कब्र खोदकर ताबूत निकाल कर ले गए थे और उनके परिवार से ताबूत के बदले में 4,00,000 पाउंड की मांग की थी। हालांकि उन चोरों को पैसा तो नहीं मिला क्योंकि पुलिस ने उन चोरों को पकड़ लिया था। भारतीय सेना ने उड़ीसा के विलर्स द्वीप स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से परमाणु हमला करने में सक्षम अग्नि 2 मिसाइल का परीक्षण आज के दिन 17 मई 2010 में किया था। ये मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।